जिस मर्जी आलिम को टोल जाना कि मौलाना ये दसो हराम का माल हो हराम के पैसे हो क्या इन पैसे कुर्बानी हो जाएगी उन्हों का यह फतवा होना जो तक माल पाक नहीं कुर्बानी जायज नहीं है। जिस बंदे ते कुर्बानी वाजिब हो गई है उन्हें चाहिए कि हलाल माल विचो हराम माल के नेड़े क्योंकि मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मैं गालबन पंडित छड़ी हदीस तुम सुना रहा मेरे सरकार ने फरमाया इन्नल्लाह हितैये अल्लाह करीम खुद पाक है रब्बे कायनात खुद पाक है। अल्लाह फरमाता है कि मैं खुद पाक हाँ तो मैं बंदे का पाक माल ही पसंद करता मैं खुद जो पाक हाँ तो असी जनाबे आला लोगों के जनाबे आला पैसों पर कब्जे करके जायदादा से कब्जे करके उन्होंने हिस्सा कढ़ के आखिए मैं सदका दे रहा उन्होंने हिस्सा कढ़ के आखिए मैं हज कर जा रहा तो यकीन करना ऐसा हज तेरे मेरे मुँह से मारिया जाएगा ऐसा सदका तेरे मेरे मुँह से मारिया जाएगा। अल्लाह की बारगाह के अंदर कोई चीज़ कबूल है जी चीज़ हलाल के माल दी हलाल का माल मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर एक सहाबी रसूल आए एक शख्स ऐसा शख्स है